बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद। अशरे चेलों की सातवीं तकरीर इमाम बारगाह जामे सिद्दैन में हुकूक़े निस्वा और इस्लाम के मौजू पे आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। जरूरी था कि जिस तरह अल्लाह ने अपने हबीब को एक अजीम बेटी अता की, जितना भी पूरी उम्मत तमाम मुसलमान इस बात पे सोचे कि बेटी अता करके मुसलमानों को सिखाया गया कि अपनी बेटी का एहतराम करना, बेटी को नाकदर न समझना, इतना अजीम खिताब दिया। हर मुसलमान बेटी के लिए कितने फख्र की बात है कि ये खिताब शहजादी की वजह से हर मुसलमान बेटी को मिल गया कि बेटी रहमत होती है, बेटी रहमत होती है। क्या ये कम फख्र है? और चूंकि बेटी को रहमत कहा, इसलिए बाप को रहमत ही लिल आलमीन कहा। इससे पता चला कि बाप का खिताब भी रहमत है वहां और बेटी भी रहमत है। पता चला दोनों रिसालत के हिस्से हैं। ये भी रहमत, वो भी रहमत, ये भी रिसालत, वो भी रिसालत, वो भी नबुवत, ये भी नबुवत, वो भी इस्मत, ये भी इस्मत। फिर ये भी जरूरी था कि ऐसा ना हो कि सिलसिला रुकी जाए और फिर एक ही बेटी हो, इसलिए जरूरी रखा गया कि बाद में आने वाले हर इमाम को अल्लाह सैयदा जैसी बेटी देता रहे ताकि मुसलमान भूल ना जाए कि बेटी की अजमत क्या है। हमें नहीं मिलता, हम ये बात बार बार कहते हैं, जाहिर है कि जो बातें हम कहते हैं हर एक वो नहीं कह पाता, इसलिए आपको हैरानी होती है। हम क्या करें कि ऐसे गोशे छुपे हुए सामने के गोशे लोगों को नजर नहीं आते, हम उनको उजागर कर देते हैं। हम बार बार ये बात कहते हैं कि इतने सहाबा गुजरे, किसी की बेटी मशहूर है? और अगर किसी की बेटी मशहूर हुई है तो उसकी वजह शोहरत तो बता दो। बता दो ना कि क्यों मशहूर है। जहां इतने शाहकार पेश किए गए हों कि बेटी को इस तरह रहना है, वहां ये इंकलाब आ जाए, क्या ये हैरत अंगेज बात? तो ये जिद क्या है, ये जिद क्या है? तो कुदरत ने कैसा अजीब एक क्रास है। दो लकीरों को ऐसे आपने किया तो कहीं पे दोनों लकीर मिलती हैं, लेकिन फिर दोनों जगह से जुदा हो जाते हैं और चार रुख होते हैं, एक लकीर के चार रुख होते हैं। दोनों लकीरें रुख बता रही हैं। और वही मंजर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, वही मंजर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, लेकिन ये गौर और फिक्र तमाम मुसलमानों के लिए।
कि रसूल की जबान से खिताब मिला अली को सिद्दीक, और फातिमा को खिताब मिला सिद्दीका। सिद्दीका नाम रखा है तूने, पढ़ते ना जी से किसी ने। मुसलमानों ने भी एक सिद्दीक और सिद्दीका बनाया, अब हो गए चार। अजीब बात यह है कि तारीख इस्लाम का सिद्दीक था, रसूल की सिद्दीका सामने फदक में थी, रसूल का सिद्दीक जमल में था, तारीख मुसलमानों की सिद्दीका सिद्दीक के मुकाबले। कुदरत ने कहा फैसला खुद कर लेना कि अगर चार सच्चे एक जगह टकरा जाएं तो चार में से कोई दो ही सच्चे होंगे। फैसला छोड़ दिया उम्मत पे। फैसला छोड़ दिया फैसला उम्मत पे छोड़ दिया। फैसला मुश्किल नहीं है, दो जुमलों में तारीख का फैसला मैं सुनाई देता हूँ। बुखारी मुस्लिम तारीख तबरी तारीख अबुल फिदा तबकात इब्न साद, फैसला दो जुमलों में सुनाई देता हूँ कि तारीख ने क्या फैसला किया। इकदाम यहाँ भी हुआ, इकदाम यहाँ भी हुआ, इकदाम दोनों जगह है। एक की बेटी इधर, एक की बेटी उधर। एक तरफ रिसालत की बेटी, एक तरफ खिलाफत की बेटी, और दोनों तरफ खलीफा, इधर भी खलीफा, इधर पहला इधर चौथा। खिलाफत खत्म हो गई और इधर भी बात खत्म हो गई। एक रिसालत की बेटी, एक खिलाफत की बेटी, और सामने दो खलीफा, एक इधर एक इधर, इधर पहला इधर चौथा। तारीख ने फैसला किया कि कौन है सच्चे, कहाँ हैं गुनुमा साथ की, कैसे सच्चों के साथ हो जाएं। आयत कह रही सच्चों के साथ चलो, यहाँ तो सच्चे आपस में लड़ रहे हैं, अब हम किसके साथ चलें। तारीख ने कहा भैया देख लेना, इकदाम के बाद जो पछताया हो जिसके आंसू हो, अगर अली रोए जहरा रोए। जहरा तो फतेहमंद थी इसलिए कि हुकूक का इजहार कर दिया, अब रोया कौन ये बुखारी से पूछो, बुखारी से पूछो। बातें कर लेना आसान है, अवाम को धोखा दे देना आसान है, मुसलमानों को धोखे में रखना और है। तब वो दौर आएगा कि जब जहन जाग जाएंगे और अपने बच्चों को सही बात बता दी जाएगी। इसलिए कि सफर यहाँ खत्म नहीं हो रहा, सफर वहाँ खत्म हो रहा है, और ये सब लिख चुके इसमें कोई शक नहीं कि सफर जहाँ खत्म होना है मुलाकात उनसे होना है। किसी ने ये नहीं लिखा कि मुलाकात में कोई इधर होगा और कोई उधर होगा, बल्कि सूरह फुरकान में ये ऐलान हुआ कि नबी हौज़े कौसर पे खड़े होके फरिश्तों से कहेंगे कि ये हमारे असहाब हैं, इन्हें कौसर के किनारे से भगा क्यों रहे हो। तो अल्लाह कहेगा तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे बाद कुरान के साथ इन्होंने क्या किया। सूरह रखा है, रखा हुआ है, हदीस नहीं है सूरह। तो आयत ने ये कहा ना, आयत ने ये कहा ना कि महशर के दिन असाब कौसर के किनारे से हटाए जाएंगे। आयत ने कहा, कोई आयत ऐसी भी है कि अहले बैत कौसर से हटाए जाएंगे, तो सीधी सी बात है, आ जाइए इधर, इधर आ जाइए। इसके माने ये कौसर पे खड़े हैं, कौसर पे खड़े नहीं है, यही तो कौसर है, ये है कौसर। इन्ना तैना कल कौसर, कहां से जुमले लाऊं,
कहां से जुमले लाऊं कि बेटी अता करके कहा कि कौसर अता कर दिया, अगर बेटा देता तो क्या कहता, क्या कहता? नहीं, कुछ भी ना होता, दिया था। कासिम पैदा हुए, आयत नहीं उतरी। अब्दुल्ला और ताहिर पैदा हुए, आयत नहीं उतरी। फिर मारिया कब्या से इब्राहिम जैसा बेटा पैदा हुआ, आयत नहीं उतरी। सहरा पैदा हुई और सूरा उतरा, इन्ना तैना कल कौसर। कुरान तो मौजूद है, तफसीर मौजूद है, तारीख मौजूद है। सिर्फ हुकूक निस्वा का मर्तबा बुलंद करने के लिए बेटी दी, और फिर खुलेआम अल्लाह ने कह दिया कि देखते जाना कि सीरत पैगंबर पर अली किस तरह चलेंगे। तो कुदरत ने इनाम दिया अली को कि पैगंबर को एक बेटी दी है, अली तुम्हें फातिमा जैसी दो बेटियां देते हैं, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, और बेटे भी देते हैं हसन और हुसैन। तो फौरन पैगंबर ने कह दिया ये बेटे भी मेरे, ये बेटियां भी मेरी। चूंकि पैगंबर ने ऐलान किया कि फातिमा भी मेरी बेटी, ज़ैनब भी मेरी बेटी, उम्मे कुलसूम भी मेरी बेटी, मौर्रिख ने कहा ज़ैनब और उम्मे कुलसूम रसूल की बेटियां थी और वह हजरत उस्मान को बहन थी। नवासियों को कहा था बेटी, बाद में होश आया तो उन्होंने कहा फिर अली की बेटी से शादी करवा दो। ये मौजू कल और परसों का है, इंशाल्लाह शुरू कर रहा हूँ और अर्ज करूंगा। तो मौलिक अपनी जिद पे आ गया, उसने कहा अली की एक बेटी उम्मे कुलसूम से हजरत उमर की शादी हुई थी। हालांकि अर्ज करूंगा तफसील, लिखने को लिख दिया, ये न सोचा मौलिक ने कि क्या लिख रहे हैं, इसलिए के हजरत उमर की बेटी उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रसूलल्लाह की जौजा हैं, तो जनाबे सैयदा की माँ हुई। हजरत उमर जनाबे सैयदा के नाना हुए, उम्मे कुलसूम के पर नाना हुए। ये कायनात का पहला रिश्ता मुसलमानों ने दिया कि पर नाना पर नवासी से शादी करता, मेरे समझ में नहीं आता। ये हुकूक निस्वा है क्या? ये आप तबाही फैलाना चाहते हैं पूरी दुनिया में कि सारे परनाना अपनी परनवासियों से शादी क्या करें? सुन्नत उमर है। जियो सलामत रहो। देखो तारीखें भरी पड़ी हैं, जिस किताब का कहो हवाला दूं। जनाबे सैयदा की जब शादी हो रही थी जो कल पढ़ा, तो हजरत अबू बकर ने भी रिश्ता दिया, हजरत उमर ने भी रिश्ता दिया। जिस चीज को रसूल मना कर दें अली वो काम करेंगे? अब जरा बताइए, बताइए, समझा? नहीं, रुख दूसरा दिखाओ। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, रिश्तेदारियां लगाने की। रिश्तेदारियों से कोई फायदा नहीं, रिश्तेदारी से कोई फायदा नहीं। और फिर कहा है फरसरत ने देवल, जब कसीदे कहें इनके तो उसमें ये शेर भी रखे कि ये वो है, तवज्जो, ये वो है कि ये किसी से रिश्तेदारी नहीं लगाना चाहते, दुनिया इनसे रिश्तेदारी लगाना चाहते। सीधा सा फार्मूला है, सीधा सा फार्मूला। जब बेटियां अल्लाह देता है तो रिश्ते आते हैं। ये भी हुकूक निस्वा में एक चीज है, शादियां होती हैं, लेकिन कोई उसूल तो अल्लाह ने बनाया होगा, कोई उसूल तो दिया होगा इस्लामी कुरानी हदीस में कि बेटियां तो सभी को मिलेंगी, तो शादियां किस तरह होंगी?
इस्लाम ने बताया, शरीयत ने बताया, बेजोड़ शादी इस्लाम पसंद नहीं करता। हुकूक निस्मा का एक हिस्सा है, ये अहम तरीन मसला है, बेटियों की शादी। पैगाम नबी की दुख्तर का लाने को बहुत से लाए थे, मशहूर किया इस्लाम ने। पैगाम नबी की दुख्तर का लाने को बहुत से लाए थे, मंजूर किसे अहमद ने किया ये पूछो हैदर वालों से। पैगाम नबी की दुख्तर का लाने को बहुत से लाए थे, मंजूर किसे अहमद ने किया ये पूछो हैदर वालों से। अल्लाह के घर का बेटा था, बेटी थी पैगंबर के घर की, करते हैं कराबत आली नसर से दर्द बराबर वालों से। मंशूर है हुकूक निस्मा का पहला उसूल, बेटी कहाँ ब्याही जाएगी। अब कौन सा वो उम्मती है जो अपनी बेटी ब्याहता है अपने से कमतर में। सब टक्कर का रिश्ता ढूंढते हैं, आप टक्कर का रिश्ता ढूंढते हो, पहले बैठ अपने टक्कर का रिश्ता ना ढूंढते। इसलिए रसूल ने हदीस दे दी कि मेरे बेटे मेरी बेटियों के लिए, मेरी बेटियां मेरे बेटों के लिए। और किसको देख कर का अकीलो जाफरो अली, तीनों की तरफ देख कर इशारा किया, यानी इन तीनों के बेटे हमारे बेटे, इन तीनों की बेटियां हमारी बेटियां, हमारे बेटे हमारी बेटियों के लिए, हमारी बेटियां हमारे बेटों के लिए। यानी इशारा किया, यानी अकील के बेटे अली की बेटियां, जाफर के बेटे अली की बेटियां, अली के बेटे अकील की बेटियां, जाफर की बेटियां। यानी महदूद कर दिया आले अबू तालिब को रसूल अल्लाह ने कि तीनों भाइयों में आपस में रिश्तेदारी होगी। जब खानदान में बेटे मौजूद हो तो बाहर बेटियां देने की क्या जरूरत है। उम्रे तो देखिए, सिंह तो देखिए, तो अली की अगर 18 बेटियां हैं तो 18 में 17 दामाद आए 20-20 साल के, 19-19 साल के। ये बात समझ में आती है कि अली के सारे दामाद 17 दामाद तो 18-19 साल के हों, और एक दामाद 70-75-80। बात समझ, ये आदल नहीं है, आने वाली तकदीर की तमीद हो गई। चूंकि रसूल ने कहा था इसलिए उस पर अमल अली करेंगे, उस पर अमल अकील करेंगे। जाफर तैयार को अल्लाह ने तीन बेटे अता किए थे, तीन बेटे अता किए थे। तो फातिमा की औलाद में दोनों बेटी जाफर के घर ब्याह के आ, और बेटियां अकील के घर ब्याह कर रही, जैसे जनाब मुस्लिम भी अली के दामाद हैं। कैसे खूबसूरत दामाद हैं अली के, कितने शजा दामाद हैं, मुस्लिम जैसे, अब्दुल्ला इब्ने जाफर जैसे, तलवार के धनी हैं ये दामाद, तलवार चलाना जानते हैं दामाद। क्या कहना, मजलिस सुनने का सलीका तो कोई आपसे सीखे। कभी कभी मेरा दिल जाता है मैं जल्दी से आपके साथ बैठ जाऊं और बैठ के मजलिस सुनने लगूं। दिल जाता है यहां बैठूं आपके साथ और मजलिस सुनूं, लेकिन ऐसा इम्कान में नहीं। कोई जिन विन यहां बैठ जाए तो मैं वहां बैठ जाऊं ताकि बैठ के सुनूं। ऑटोमेटिक कैमरों में तो ये होता है, बटन दबा दिया इधर से, फिर उसका दौड़ के गए उधर, ग्रुप में खड़े हो गए तो तस्वीर खिंचवा ली। यहाँ इम्कान नहीं, लेकिन दिल चाहता है, दिल चाहता है। कुदरत ने जिस तरह अली को अजीम बेटियां अता की,
इसी तरह इमाम हसन अजीम बेटी अता की फातिमा बिनत हसन, यहां फख्र था नाम रखना फातिमा। और फौरन 19 साल के जब हुसैन के साहबजादे हुए अली इब्न हुसैन सैयद सज्जाद, तो इमाम हसन की इस बेटी से शादी हो गई। इमाम हुसैन की बेटी की शादी हसन के बेटे हसन मुसन्ना से हो गई। ये भी फातिमा, वो भी फातिमा, वो हसन ये अली। जिस तरह अली और फातिमा मिले थे, इस तरह कुदरत ने फिर अली और फातिमा को मिलाया। वहां अली और फातिमा मिले तो लूलू और मरजान, हसन और हुसैन मिले। यहां अली फातिमा मिले तो फिर एक मोहम्मद मिला, इमाम मोहम्मद बाकी। जवान हुए मोहम्मद बाकी तो सैयद सज्जाद ने अपने सगे खालाजाद भाई कासिम की बेटी उम्मे फरवा से इमाम मोहम्मद बाकी की शादी की। तो जाफर सादिक पैदा हुआ। जाफर सादिक जब जवान हुए तो मोहम्मद बाकी ने स्पेन के हाकिम की बेटी हमीदा मुसफ़ा का रिश्ता दिया, ब्याह कराई। स्पेन की शहजादी थी हमीदा मुसफ़ा, और रसूल कह चुके थे कि एक अजीम खातून बहू बनकर स्पेन से आएगी मेरे यहाँ, जो बड़ी इबादत गुजार होगी और वो इतनी जाहिदा होगी कि उसका खिताब अल्लाह ने मुसफ़ा रखा है, जिससे जो बेटा पैदा होगा वो मूसे कादिम होगा। जब मूसे कादिम जवान हुए तो इमाम सादिक ने अपने बेटे की शादी ईरान के हाकिम कुम के हाकिम की बेटी नजमा खातून से शादी की। नजमा खातून से इमाम रिजा पैदा हुआ और मासूमे कुम पैदा हुआ। लेकिन इमाम मूसे कादिम की कई अजबाश थी, जिस तरह अली को अल्लाह ने 18 बेटे और 18 बेटियां दी, इस तरह मूसे कादिम के भी 18 बेटे 18 बेटियां। हुज्जतुल इस्लाम प्रोफेसर जिन सादी साहब तशरीफ फरमा है, हर साल ईरान, बल्कि साल में दो बार ईरान जाते हैं आयतुल्लाह शिराजी से मुलाकात के लिए, इसलिए कि उनके वकील मुतलक हैं। तो चप्पे चप्पे की ज्यारत की है, और इन्होंने बताया कि इमाम मूसे कादिम की बेटी जैनब बिनते मूसे कादिम का रोजा जो इस्फहान में बना है, इतना बड़ा रोजा आज तक देखने में नहीं आया। तो ये है कुदरत ने ऐसी बेटियां अता की। दूसरी बेटी मासूम है कुम है, जो कुम में हुकूमत कर रही है शहर के लिए। हदीस है रसूल की कि मेराज में जाते हुए आपने शहर कुम के लिए दुआ की और फरमाया कि जो कुम में आ गया वो पनाह में आ गया। पूरी दुनिया में आफतें और बलाएं फैल जाएंगी, लेकिन कुम के लोग हमेशा महफूज रहेंगे। जो चाहता है कि बलाओं से दूर रहे वो कुम में चला जाए। दज्जाल की आमद, सुफियानी की आमद में लिखा हुआ है कि जो कुम में रहेंगे उन्हें परेशानी नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि मासूमा है। फरमाया इमाम ने कि जन्नत के 9 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजा कुम है। जो जन्नत में दाखिल होना चाहे वो कुम जरूर जाए, वो जन्नत के दरवाजे में दाखिल हुआ। आयतुल्ला आकाए मरशी ने पहली बार दरियाफ्त किया, हालांकि उससे पहले मासूमे कुम को दफन करने के बाद जो पहला रोजा तामीर किया वो हजरत नबी इमाम हजरत इमाम मोहम्मद तकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी बेटी जैनब बिनते इमाम मोहम्मद तकी ने
आपका रोजा तामीर करवाया, गुंबद बनवाया, गोया पोती ने दादी का रोजा बनवाया, और फिर जायरीन आने लगे। जिन्होंने ज़ियारत की है वही महसूस कर सकते हैं अगर उनकी निगाहों में वहां के मनाज़िर हैं। उस रोजे की शान कहा गया इमाम ने कि इसलिए ज़ियारत करने जाओ मासूमा कुम की। इमाम की जबान से आपको मासूमा कहा गया, यूं तो हर इमाम की बेटी मासूमा है, लेकिन इन्हें मखसूस मासूमा इसलिए कहा गया कि इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने फातिमा जहरा की कब्र को गैब में रखा, और जब अल्लाह ने चाहा कि जहूर में आए तो मासूमा कुम की कब्र को जाहिर कर दिया, ताकि जो फातिमा की कब्र की ज़ियारत न कर सके वो मासूमा कुम की कब्र की ज़ियारत करे। गोया फातिमा जहरा के कब्र की ज़ियारत है। अल्लाह, क्या मैं मर्तबा बताऊं? आज का मौजू बेटी है ना, अम्मा की बेटियां, रसूल की बेटी, यही तो मौजू है ना आज के हुकूक के निस्मा में। बेटी का क्या रुतबा है, क्या मर्तबा है, क्या हुकूक बेटी को दिए गए? हम इस मौजू तक आ गए, ज्यादा तवील तकरीर नहीं, इसलिए क्या ज़ियारत भी बरामद हो गया। मासूम का ताबूत बहनों में सबसे बड़ी अली के घर में जो मर्तबा जनाब ज़ैनब का है, इमाम मूसी के, इमाम मूसी काज़िम के घर में वो मर्तबा फातिमा मासूमा कुम का है। नाम फातिमा बहनों में सबसे बड़ी, लिखा लिखने वालों इमाम के कुतुब खाने में किताब है कलम, और वो शूस्टर में किताब लिखी गई कलमी उसका, उसमें एक हदीस लिखी, वाक्या लिखा, उसमें लिखा है कि एक बार एक वफ्द आया इमाम मूसा काज़िम से मिलने के लिए। उनके कुछ मसले थे फिकही शरई, उसके वो जवाब चाहते थे घर पे। दौलत खाने पर आए, पता चला इमाम बाहर गए हुए, मदीने से बाहर गए। उन्होंने इंतजार किया, एक दो दिन के बाद फिर आए पता लगाने के इमाम आ गए, पता चला इमाम अभी नहीं आए। फिर एक दो दिन के बाद आए, अंदर से पैगाम आया कनीज ने गुलाम से कहा, दरबार ने कहा कि अंदर इस मसरा में शाहजादी फातिमा इमाम की बेटी कहती हैं कि अगर कोई मसला पूछना है तो लिख के भिजवा दो। उन्होंने अपने सवाल जो फिका के मसले थे कागज पे लिखकर अंदर भिजवा दिया, आपने उसके जवाब लिखवा कर बाहर भिजवा दिए। क्या ये तुम्हारे मसले हैं? इसका जवाब ये है। कागज लेकर वो वापस चले, आधे रास्ते पहुंचे थे, रास्ते में पता चला इमाम वापस आ रहे हैं। रास्ते ही में मुलाकात की और उन्होंने कहा हम आपके पास कुछ कई मसले पूछने आए थे, लेकिन मुलाकात ना हुई, लेकिन आपकी साहबजादी ने ये देखिए उन मसलों का जवाब लिखा है। इमाम ने कागज लिया और देखा, और देखकर फरमाया इससे बेहतर जवाब क्या हो सकता था, इससे बेहतर जवाब क्या हो सकता था। ठीक है, ले जाओ, यही है इन सवालों का जवाब। देखा आपने इस घर की बेटियां कैसी होती हैं, कैसी होती हैं इस घर की बेटियां। इसलिए सुनाओ उम्मत को इस घराने का हाल। कब तक बैरूनी बातें सुनाते रहोगे, कब तक मैदानी बातें सुनाते रहोगे? इस पर सरा की बातें करो, चौखट की, घर की, दरवाजे की बात करो, अकीजगी और तहारत और इल्म की बात करो। कोई 60-70 हजार हदीसें नहीं सुनाई मासूम है तुमने? जिंदगी में कुल 3 हदीसें बीबी ने सुनाई हैं। कुछ कहना चाहता हूं, इस्लाम में बड़े रावी और रावियां हैं।
लेकिन किसी से ये पूछ लो कि ये रसूल से जो तुम सुना रहे हो इसका सिलसिला क्या है, सिलसिला क्या है, क्या पाकीज़गी है, क्या तहारत है। फरमाती हैं मैंने सुना मासूमतुम फातिमा, फातिमा बिनते मुसिया कालिम फरमाती हैं कि मैंने सुना अपनी फूफी फातिमा बिनते जाफर सादिक से, और उन्होंने सुना अपनी फूफी फातिमा बिनते मोहम्मद बाकिर से, और उन्होंने सुना अपनी फूफी फातिमा बिनते सैयद सज्जाद से, और उन्होंने सुना अपनी फूफी फातिमा बिनतुल हुसैन से, और उन्होंने सुना अपनी फूफी ज़ैनब कुबरा बिनते अली से, और उन्होंने सुना अपनी माँ फातिमा ज़हरा से, और उन्होंने सुना रसूल खुदा से, उन्होंने सुना रसूल खुदा से कि कदीर हम रसूल अल्लाह ने कहा कि अली तुम्हारे हाकिम हैं, अगर तुम इनके साथ चले तो नजात पाओगे। और अली की मिसाल मेरे साथ वही है जो मूसा और हारून की, एक हदीस हो गई मेरी, इसमें दो हदीसें हो गई, वजीर और मूसा और हारून की मिसाल। अब तीसरी हदीस, फिर इसी सिलसिले को आपने फरमाया कि मैंने सुना अपनी फूफी फातिमा बिन जाफर सादिक, उन्होंने सुना अपनी फूफी। देखिए इसे कहते हैं सिलसिला रुवाते फवातिम, हर रावी फातिमा, हर रावी फातिमा, इसलिए कि जनाबे ज़ैनब का नाम भी फातिमा है। रवायत में ये लिखा हुआ है कि जनाबे ज़ैनब का असल नाम फातिमा है, फातिमा सानी है, सानिया ज़हरा है, नाम भी फातिमा। इस तरह सारा सिलसिला हर नाम फातिमा का, और उन्होंने अपनी फूफी फातिमा बिनते इमाम मोहम्मद बाकिर से, और उन्होंने अपनी फूफी फातिमा बिनते सैयद सज्जाद से, और उन्होंने अपनी फूफी से सुना फातिमा बिनते हुसैन से, उन्होंने अपनी फूफी ज़ैनब बिनते अली से, और उन्होंने अपनी वालिदा गिरामी फातिमा रसूल खुदा की साहबजादी से सुना कि वो फरमाती के रसूल खुदा ने फरमाया माता शहीदा अला हुब्बे आले मोहम्मद, जो मर जाए आले मोहम्मद की मोहब्बत में वो शहीद बनता है, वो जिंदा है। यह है आज का तोहफा तुम्हारे लिए मासूम कुम का, इससे बड़ा तोहफा तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी को शहादत कहकर एक तो खुदा का गवाह बनाया, फिर उस शहादत की तरफ जिंदगी बनाई मौत, और फिर फरमाया इसी सिलसिले को बयान करके, सुनिए मासूम कुम फरमाती है इसी सिलसिले को बयान करके कि फातिमा जहरा ने रसूल खुदा से सुना, और रसूल खुदा ने फातिमा जहरा से कहा, यही सिलसिला अपनी फूफियों का फातिमाओं का बता के, ताकि रसूल खुदा ने फातिमा जहरा से कहा कि जब मैं जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने सामने लिखा हुआ देखा कि बड़ा बड़ा जन्नत के दरवाजे पे लिखा कि अली के शिया फला पा चुके, नजात पा चुके, पाएंगे नहीं, पा चुके। ये दूसरा तोहफा मासूम कुम की तरफ से तुम्हारे लिए लिखा, यहाँ की भी बात बता दी, जिंदा हो वहां की बात बता दी, फला पा चुके, दरवाजा मुंतजिर है, यहाँ लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, या रसूल अल्लाह ले चलिए, जन्नत का दरवाजा कह रहा है आओ आओ आओ। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मोहब्बत का हक अदा कर रहा है जो कोई नहीं कर पा रहा, इसलिए कि उसके हाथ में कुंजी नहीं, तुम्हारे हाथ में मवद्दत की कुंजी दे दी गई, मवद्दत की कुंजी। और सिखाया किसने? बहुत बड़ा जुमला दिया ना आपको, मवद्दत ईमान की सिखाई किसने? कितना अच्छा जुमला आपको दे रहा हूं,
ये जब तक अमल ही ना सिखाया जाए समझ में नहीं आ सकती। आयमा से मोहब्बत करना किसने सिखाया आपको? आयमा की बहनों ने। खत्म हो गई तकरीर। हम क्या जानते हैं हुसैन की और हसन की मोहब्बत क्या है? अगर ज़ैनब ना बताती, हम क्या जानते हैं इमाम रिजा से मोहब्बत कैसे होगी? मासूम एकुम ने बताया। चलने लगा भाई तो रात भर कब्र नबी से लिपटे रहे और फिर सलाम करके रुखसत हुए। बहुत रोए, जद की कब्र पर बहुत दर्द। आपकी कब्र से हमको जमाना छुड़ा रहा है। जैसे हुसैन रोए थे 28 की रात नाना की कब्र से लिपट गया, इसी तरह आपका 8वां इमाम रसूल अल्लाह की कब्र से लिपट गया। और जब तक जग के रोजे पे रहे, बहन हाथ में तस्बीह लिए हुए, मासूमें तुम सहन में टहलती रही। भाई आया देख कर रोने लगे, कहा भाई क्या जुदाई हो गई है हम में आप में? जुदाई हो गई सब्र करो, सब्र करो, हम कोशिश करेंगे कि तुम सबसे फिर दोबारा मिलो। ये जमाना साधे हैं कि दामाद की आंखों की रोशनी बहुत परेशान है। आप सब दुआ कीजिए कि आज इमाम जामी के सदके में इनके जवान दामाद की आंखों की रोशनी जाया ना हो। और जब अपने लिए दुआ कीजिएगा ताबूत पे तो इनके लिए भी कीजिएगा। हाँ, दुआएं कबूल होती हैं। बहन भी दुआ मांग रही थी, परवरदिगार भाई से मिला दे। एक साल हो गया बहन भाई से बिछड़ी हुई थी, एक साल हो गया। 18 भाई थे, 6 भाइयों को साथ लिया। जाफर बिन मूसी काजिम, अहमद बिन मूसी काजिम, जैद बिन मूसी काजिम, मोहम्मद बिन मूसी काजिम, बहन को लेकर सारे भाई साथ चले। भाई के दीदार के शौक, एक साल हो गया ईरान गए। सवारी चली शहर सावा में, जब सवारी दाखिल हुई तो दुश्मना ने अहले बैत का शहर था, बीबी के काफले पर फौज ने हमला किया, जंग हुई, सख्त जंग हुई। और बीबी के सामने 6 भाई जवान मारे गए। बीबी ने 6 भाइयों का लाशा तड़पते हुए देखा। 3 बहनें और साथ थी, भतीजे भी साथ थे, भतीजों को बचा लिया। ये इस घर की रवायत है कि जब भाई मारा जाता है तो भी भतीजे को बचा लेती है। भाई के नस्ल की हिफाजत बहन करती है। कुम के हाकिम मूसा बिन खुजरज को पता चला, उसने अपने घर की औरतों से, अपनी बीवी से कहा कि हम जाते हैं और इमाम की साहबजादी की सवारी इस तरफ लेके आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं। वो गया, मुकाबला किया, लाशों को दफन किया। बीबी आपके भाई आपके सामने दफन हो गए ना, हसरत तो नहीं रही कि लाशा पड़ा? कब्र बना के फिर वहां से चली ना।
कुम में दाखिला हुआ, मूसा ने कहा था कि हर घर पे स्याह झंडे लगा दिए जाए और शहर का हर आदमी काले कपड़े पहन ले। इमाम की बहन, इमाम की बेटी आ रही है, सवारी आई, नाका आया, एक खेमा, बड़ा सा खेमा लगाया गया, उसमें फर्श बिछाया गया, तकिए रखे गए ताकि आराम से उनको उतार के बिठाया जाए। बीबी आप खेमे में उतरी, खेमा तो किसी ने नहीं जलाया बीबी, शाहजादी इकराम के साथ आपको खेमे में उतारा गया, बच्चे आपके साथ हैं, आपके भतीजे साथ हैं, किसी ने आपके भतीजों को कैदी तो नहीं बनाया, बच्चों के हाथ तो नहीं बांधे गए। बीबी नाके से उतरी, मूसा की जौजा ने अपने तमाम अजीज रिश्तेदारों के साथ, ख्वातीन के साथ, जो सब काले कपड़े पहने हुए थे, सबके बाल खुले थे, आंख में आंसू थे, एक दायरा, एक हलका बनाया और बीबी को अपने हलके में लेकर चली। लेकिन सब चुप 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 चुप, एक एक का चेहरा शहजादी देखती कि सबके चेहरे पर गम के और मलाल के आसार हैं, बाल परेशान, आंखों में आंसू, स्याह लिबास है, बाहर देखा तो काले परचम लहरा रहे हैं। क्या तुम्हारा बादशाह मर गया जो तुम सब सोग नशी हो और ये काले झंडे तुमने लगाए? लेकिन अभी उसने कोई जवाब नहीं दिया। खेमे में जब फर्श पे तशरीफ ले आई शहजादी तो बाजू पकड़ के बिठाया, ये लगाए, आराम से बैठ जाइए, बच्चों को भी बिठा दिया, पानी पेश दिया। उसके बाद चंदनीजों से कहा, शाहजादी के बाजू को जरा थाम लो। बाएं बाएं कनीजें आ गईं, शानों को थाम लिया। अब उसने हाथ बांधे और अदब से सामने बैठ गई और कहा, शाहजादी आपका भाई मारा गया, हम आपके भाई की ताज़ियत देते हैं। मासूमे कुम, बड़े एहतराम से खबर सुनाई गई है भाई की शहादत की। कोई खैमा जलाने नहीं आया, कोई घर लूटने नहीं आया, कोई बच्चों के दिल छीनने नहीं आया। आज ज़ैनब बड़े खैमा से पुकार रही थी, इब्ने साद ये मेरा माजाया हुसैन खंजर को डाले। रोलो दो चार जुमले हैं, बहन और भाई का हाल है, बहुत रोई, बेहोश होके मासूम है खुम फर्श पे गिर गई, होश आया मासूम है खुम को तो बस यही कहती थी, अरे मेरा भाई, हाय मेरा माज आया। 17 दिन तड़प तड़प के रोई यही खुम, 17 दिन के बाद बहन भाई की मोहब्बत में मर गई, वही कुम में कब्र बन गई। ए शहजादी, आप 17 दिन भाई की शहादत की खबर सुनकर दुनिया में रही, मगर आइए करबला में वो ज़ैनब खैमे से चले मख्तल में आए, लाशा तड़प रहा था, एक बार इशारा करके कहा, तू हुसैन है, तू हुसैन की लाश है। एक बार लाशों को हाथ पे उठाया, आसमान की तरफ करके कहा, परवरदिगार मेरी माँ फातिमा की तरफ से इस कुर्बानी को कबूल फरमा। माता बे हुसैन, हुसैन, हुसैन। शियों में है गुल बपा, हाय इमाम रिजा।
दिलगीर को, आपकी हमशीर को फातिमा दिलगीर को, आपकी हमशीर को फातिमा दिलगीर को, आपकी हमशीर को फातिमा दिलगीर को। कैसे करार आएगा हाय इमाम रिदा, हाय इमाम रिदा, हाय इमाम रिदा, शियों में है बल बपा, हाय इमाम रिदा, हाय इमाम रिदा, हाय इमाम रिदा। दर्द ने उल्फत ने भी गम किया, हसरत ने भी, दर्द ने उल्फत ने भी गम किया, हसरत ने भी, दर्द ने उल्फत ने भी गम किया, हसरत ने भी, दर्द ने उल्फत ने भी गम किया, हसरत ने भी। या से मातम किया, हाय इमाम रिदा, हाय इमाम रिदा, शियों में है गुल बपा, आपकी हमशीर को फातिमा दिलगीर को, आपकी हमशीर को फातिमा दिलगीर को। कैसे करार आएगा, हाय इमाम रिदा, हाय इमाम रिदा, हाय इमाम रिदा, शियों में है गुल बपा, हाय इमाम रिदा, शियों में है गुल बपा, हाय इमाम रिदा। कुफ्र ने मेरे इमाम दहर दिया आपको, कुफ्र ने मेरे इमाम दहर दिया आपको, दिलगीर को, आपकी हमशीर को फातिमा दिलगीर को, आपकी हमशीर को फातिमा दिलगीर को।